दोस्तों ये एक मोटर का टीवी है, एक 5.5 किलोवाट मोटर का टीवी है। ये मोटर को जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग के दौरान क्या हो रहा था, मोटर का फ्यूज चला जा रहा था, दो फ्यूज एक साथ चला जा रहा था। तो हमने उसको चेक किया और फाइंड आउट किया कि ये टीवी में प्रॉब्लम है। तो फाइनली हमने ये टीवी को रिप्लेस कर दिया। आप देख रहे हैं ये टीवी यूज हुआ है, पुराना टीवी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फ्लैश ओवर जैसा हुआ है। तो ये टीवी को हमने रिप्लेस कर दिया और उसके बाद मोटर सही चलने लगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये टीवी में क्या खराबी था और हमने उसको कैसे फाइंड आउट किया, और क्या हम ये टीवी को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसे भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमको मेजर करना पड़ेगा कि ये टीवी सही है या खराब है। उसको जानने के लिए हम मेजर लाए, 1 KB मेजर से हम इसे मेजर करेंगे। तो मेजर को हमने 500 वोल्ट पे सेट किया, आप देख रहे हैं 500 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया। अभी इसका क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टर्मिनल शॉर्ट दिखा रहा है, देखे थे ना, या ओपन दिखा रहा है, उसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले दो टर्मिनल को हम चेक करते हैं। यहाँ पे 6 टर्मिनल हैं, जैसा कि आप जानते हैं हर एक मोटर का 6 लीड आता है। तो 6 लीड को ये टीवी में हम लोग स्टार या डेल्टा कनेक्ट करते हैं और 3-phase पावर सप्लाई भी कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर मोटर अर्थ फॉल्ट में ट्रिप कर रहा है तो आप लोग को क्या क्या चेकिंग करना है, कौन सा जगह पे आपको चेकिंग करना है, कैसे आप उसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वीडियो में मैंने भी आपको समझाया था कि मोटर टीवी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दो लीड के बीच में ये 0 मेगा ओम शो कर रहा था, यानी बाकी 4 लीड सही है, लेकिन 2 लीड के बीच में एक लाइनिंग आ गया है, उसकी वजह से ये 0 वैल्यू शो कर रहा है। ये तो हो गया दोस्तों कि 2 लीड के बीच में शॉर्ट हो गया है, इंटरनल कहीं पे शॉर्ट हो गया है। लेकिन क्या हमें इसे सही कर सकते हैं, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं, क्या ये टीवी दोबारा यूज करने के लायक है, उसे भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे क्लीन करेंगे, CRC लेके हम इसे क्लीन करने वाले हैं। अच्छे तरह से CRC मार दीजिए, जैसे हमने CRC मारा। CRC मारने के बाद अभी हम इसको क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करेंगे, कपड़ा से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो कॉटन वेस्ट से भी क्लीन कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, दोबारा इसको मेजर करेंगे। क्या दोबारा मेजर करने से भी ये वैल्यू सही आएगा या वो पुराना वैल्यू हमको मिलेगा, उसको हमको देखना है, उससे हमको पता चलेगा कि हम इसे दोबारा यूज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम दोबारा मेजर करते हैं। तो अभी हम इसको मेजर करने वाले हैं दोस्तों, दोबारा हम इसको मेजर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों वैल्यू बिल्कुल 0 शो कर रहा है, कुछ भी चेंज ओवर नहीं हुआ है। यानी अगर ये एक बार खराब हो जाए, इंटरनली ये अगर शॉर्ट हो जाए, तो आप लोग इसे दोबारा यूज ना करें। तो आप लोगों के मन में कई डाउट था कि मोटर टीवी में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर टीवी को कैसे चेकिंग करेंगे। तो आप इसी तरह से मोटर टीवी को चेक कर सकते हैं, चाहे इंसुलेटर हो उसे भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों की। तो देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।